बहुत ही जल्दी टेस्टी बनने वाली केले की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। खीर बनाना काफ़ी टफ होता है और काफ़ी समय लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही जल्दी स्वादिष्ट केले की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे किसी भी त्यौहार या व्रत में, आप कभी भी सुबह के नाश्ते में आराम से बना के खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी और पौष्टिक होता है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। तो चलिए झटपट बनाते हैं केले का स्वादिष्ट खीर। इसको बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर मैंने दूध दिया है और ये फुल क्रीम वाला मिल्क है। और यहाँ पर मैंने 5 केले लिए हैं और मैंने काजू को दरदरा कूट लिया है और चीनी 1/2 कटोरी मैंने चीनी लिया है। और ये देखिए, मैंने इलायची भी लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स है और केसर वाला दूध, मतलब थोड़ा सा भिगो के रखे हैं। और ये बहुत ही जल्दी ये तैयार होती है खीर, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे दूध ऊपर आएगा, मैं यहाँ पर काजू का जो पेस्ट है दरदरा, उसको मैं डाल दूँगी। और अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप घबराइए मत, आप मूँगफली को भी पीस के, उसका छिलका निकाल के उसको पीस के पाउडर डालेंगे तो भी आपकी खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो ये देखिए, इस काजू का पेस्ट मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये दूध अब धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे बच्चे कहते हैं कि मैगी 2 मिनट में, वैसे केले का खीर भी बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बन जाता है। इसको बनाने में कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास सामान रेडी है तो ये केवल 2 मिनट में ही बन जाता है। तो ये देखिए, ये दूध काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो चुका है और अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको हल्का मीठा खाना है तो आप कम चीनी डालिए, 2 चम्मच चीनी डालिए। तो ये बच्चों को खाना है तो मैंने थोड़ा मीठा डाल दिया है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब केले का खीर होता है। और अगर आप किसी भोग प्रसाद पर, पूजा पर बना रहे हैं, जन्माष्टमी पर या किसी भी त्यौहार पर आप बना रहे हैं, तो ये प्रसाद के रूप में भी आप इसको भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैं उससे पहले कई रेसिपी डाल दी हूँ कि जिसमें बहुत ही कम मेहनत लगता है। तो जैसे कि 2 मिनट में आप कैसे लड्डू बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बिना गैस पर पकाए हुए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए, मैं केसर वाला दूध डाल रही हूँ तो बहुत ही लाजवाब केले का खीर ये बन रहा है, क्योंकि इसमें इलायची पड़ चुका है और काजू का पेस्ट है ही बहुत। और जब इसमें केला पड़ेगा तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। तो आप को कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपको जब भी भोग प्रसाद बनाना हो तो आप इस तरह का खीर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे इस तरह की रेसिपी बनाने का मन भी करता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा दूध अब ठंडा हो चुका है, मैं गैस भी ऑफ कर दी और केले को मैंने कट कर लिया है। तो कुछ केले को मैं मैश करूँगी और कुछ केलों को मैं ऐसे ही डालूँगी। तो देखिए, इस तरह मैं फोक की सहायता से इसको दबा दबा के इसका पेस्ट मतलब बनाऊँगी। इसको एकदम पतला नहीं करना है, तो इस तरह का केले को आप फोक की सहायता से दबा दबा के आप पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है केले की खीर। तो अब मैं इसको, मेरा दूध है देखिए एकदम ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना गर्म है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है आपको केले की खीर बनाने का। ये इतना स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स कि आप ट्राई करिए, और एक बार आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। और अब मैं जो केले के टुकड़े और ड्राई फ्रूट्स को मैं ऐड कर दी हूँ, तो बस ये मेरा खीर एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना लाजवाब और कितना टेस्टी, कितना गाढ़ा है। अब आप ही बताइए, क्या इसमें कोई मेहनत लगी है? ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बहुत इजी तरीके से आप केले का खीर बना सकते हैं। आप किसी भोग प्रसाद में भी आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ, तो ये कितना स्वादिष्ट लाजवाब केले का खीर तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।